प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस ने गणपति पूजा से भी नफरत करती है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टिकरण का भूत जाग उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी दल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक में गणेश पूजा के दौरान हुई हिंसा को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें वैन में कैद करवा दिया। पीएम मोदी ने महायुति गठबंधन पर साधा निशाना। इसके बाद पीएम मोदी ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं कि इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर ही ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि उनमें गणपति के अपमान का विरोध करने की हिम्मत नहीं बची है। हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने आगे कहा, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज के कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टिकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा समारोह में भाग लिया था। पीएम मोदी जब मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो उनका स्वागत सीजेआई और उनकी पत्नी ने किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने मराठी अंदाज में सफेद टोपी पहनी हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने सीजेआई और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की पूजा की। इस मामले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा था। 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के एक साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों, देश भर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना।